नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फाइनटेक बीआरके में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं अभी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड नए नए तरीके आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसी सीरीज में ये हमारा पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पैसे कमाने का तरीका है वो है दोस्तों यूट्यूब, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। और सारी चीज़ें मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम ठीक है एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसको कैसे सेटअप किया जाता है और किस तरीके से उस यूट्यूब चैनल से हम पैसे कमा के भारतीय जो हमारा सेविंग बैंक अकाउंट होता है उस तक पैसा हम ट्रांसफर करके ला पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, सबसे पहले तो दो गलतियां बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चैनल बना के पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, और ये दो गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं जिस वजह से YouTube में वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते। और इस ये जो दो गलतियां हैं वो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये दोस्तों कैमरे को सही से फेस नहीं कर पाना। ठीक है, कैमरे के सामने बोलना नहीं आता है बहुत सारे लोगों को, वो हड़बड़ा जाते हैं या फिर कुछ भी अनाप चनाप इस तरीके से फटाफट बोलते हैं। ठीक है, तो उस वजह से दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे लोग YouTube से कुछ भी नहीं कमा पाते और ना ही उनके वीडियो पे कभी व्यूज आते, ना कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो इस गलती को बिल्कुल भी ना करना। और अगर आप चाहते हैं कि YouTube में किस तरीके से वीडियो को ठीक है एक स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है तो वो भी दोस्तों अगर आप जानना चाहते तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले तो कैमरा फेस करना आना चाहिए। अगर नहीं करना आता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए कैमरे को। ठीक है, अपने मोबाइल को उठाइए, वीडियो को स्टार्ट कीजिए और बोलना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, कैमरे से अपनी नज़रें मिलाइए। ठीक है, आई कांटेक्ट कीजिए कैमरे के साथ, तब दोस्तों आपको लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो में कुछ अच्छा है, मेरी वीडियो देखने लायक है। ठीक है, तब आप वीडियो बना के पब्लिश करना शुरू कीजिए। ठीक है, या फिर आप एक आईना जिसको काश दर्पण बोला जाता है उसके सामने खड़े हो जाइए और बोलना सीखिए। मैंने कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस की थी जब मैं यूट्यूब पर आया था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बोलना सीखना आना चाहिए। ठीक है, बोलना आना चाहिए अच्छे से। हो सकता है कुछ पॉइंट आपको ना आते हो, ठीक है, जैसे कुछ भूल जाते हो आप, तो उसके लिए दोस्तों एक कॉपी में सारी चीज़ें लिख के रखिए। ठीक है, एक टैबलेट कुछ भी कंप्यूटर वगैरह तो सामने रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप कैमरे से भी ठीक है आंखें मिलाते रहिए और साथ ही साथ थोड़ी सी मीट उधर भी ले लीजिए, जैसे मैं इधर देखता हूँ कई बार। ठीक है, आप देखते होंगे तो इस साइड में मेरे सारी चीज़ें लिखी हुई पड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, लेकिन आपको एक अच्छे से कुछ टाइम तक तो बोलना आना चाहिए, तब दोस्तों आप यूट्यूब में ज़्यादा ग्रो करेंगे। अब दोस्तों जो दूसरी चीज़ है वो है कैटेगरी। लोग कैटेगरी डिसाइड नहीं कर पाते सही से, उन्हें लगता है कि हम किसी भी कैटेगरी में वीडियो बना के डालेंगे और यूट्यूब में ग्रो कर लेंगे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में घुस गए और आप सोचोगे कि मैं वीडियो डालूंगा और हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मान के चलो कोई ऐसा बंदा ठीक है टेक्निकल गुरुजी अगर कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो डालते तो सलती नहीं सलती उनकी वीडियो। ठीक है, उनकी वीडियो दोस्तों सलती है तो वो दोस्तों वो टैक्स से रिलेटेड जानकारी उनके पास है तो वही शेयर करते हैं, तो उसी से रिलेटेड उनकी वीडियो सलती है। अब आपको जिस भी कैटेगरी आपको लगता है कि मुझे मोबाइल के बारे में अच्छे से बताना आता है तो आप मोबाइल रिव्यू से रिलेटेड चैनल बना दीजिए। आपको लगता है कि मैं टेक के बारे में बता सकता हूँ, टेक से रिलेटेड। आपको लगता है कि मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, कॉमेडी कर सकता हूँ, तो कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो बनाओ ना, अपने टैलेंट को यूट्यूब पर लाओ। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपको पैसा मिलता है। ठीक है, तो आपको कैटेगरी आप अपनी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कैटेगरी उठा दी वीडियो डालना शुरू कर दिया नहीं चली तो फिर छोड़ देंगे और दूसरा कर लेंगे, ऐसा लोग वही करते हैं जिनको अपनी कैटेगरी पता ही नहीं होती है। ठीक है, उनको खुद का इंटरेस्ट ही नहीं पता होता है तो वो लोग ये करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं कि कैसे चैनल एक बनाया जाता है और किस तरीके से पैसा हमारे भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है वो बताता हूँ। अब मान लीजिए आपने फेस ठीक है कैमरे के सामने बोलना सीख लिया, आपने कैटेगरी भी बना ली अपनी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको अपना एक चैनल बनाना है और उसको सेटअप करना है। अब दोस्तों मैं इसके बारे में एक ही चीज़ कहूँगा कि इसके लिए थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी मिक्स नहीं किया है, परंतु इसके ऊपर मेरे चैनल पे एक और वीडियो पहले से मैंने बना रखी है कि चैनल कैसे बनाया जाता है और पूरा चैनल किस तरीके से सेटअप किया जाता है, लोगो थंबनेल ठीक है बैनर वगैरह सारी चीज़ें ठीक है मेटा टैग डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैंने A to Z चैनल सेटिंग सब कुछ बताया है, तो वो वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, जाकर आप देख लेना कि चैनल कैसे पूरा सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो चैनल बनाने का तरीका दोस्तों पूरा का पूरा मैंने वहाँ पे बता रखा है, तो ये टॉपिक ठीक है ये जो है वो मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा और आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक, अब दोस्तों अगर आपने अपना चैनल बना लिया है
तो अब आपको आपकी बारी आती है कि आप उस पर वीडियो अपलोड करें, ठीक है। यानी कि जब तक वीडियो अपलोड नहीं करेंगे लोग नहीं देखेंगे। अब वीडियो अपलोड करने से पहले आपको अपने वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है कि वीडियो के बारे में मैं शुरुआत में क्या बोलूँगा, बीच में क्या बोलूँगा, लास्ट में क्या बोलूँगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ बता दूँ, यूट्यूब के शुरुआत में कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस टाइप का आपको कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। जो भी बोलना है लास्ट में बोल लीजिए, ताकि लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें लास्ट में बोली जाती हैं, पहले बोलते हैं तो दोस्तों लोग आपकी वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको वीडियो बनाना है एक अच्छा, और उसको दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है, ठीक है। और टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छे से लगाना है। अब ये चीज़ें तो हो गई कि हमने अपना चैनल बना लिया, अब वीडियो भी डालना शुरू कर दिया, तो अब पैसा कैसे आएगा? हर किसी के जो मन में एक सवाल होता है, ठीक है, कि YouTube से पैसा कैसे आता है। तो दोस्तों इसके लिए YouTube ने एक रूल बना रखा है, और वो रूल है दोस्तों आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए लास्ट 365 दिन में, ठीक है। यानी कि आज अगर मैं मानूँ तो 21 फरवरी है, ठीक है, तो 21 फरवरी आज मैं मान के चलूँ, ठीक है, 20 फरवरी है, सॉरी 20 फरवरी है, और लास्ट 20 फरवरी, ठीक है, 2021 से लेके 20 फरवरी 2022 तक मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, और 4000 घंटों का वॉच टाइम मेरे इस चैनल पे होना चाहिए, ठीक है, तभी यूट्यूब के लिए मेरा चैनल, ठीक है, पार्टनर प्रोग्राम के लिए जाएगा, और उसके बाद हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये चीज़ें देखने के लिए आपको अपने जाना है यूट्यूब में, और वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको, ठीक है, एनालिटिक्स में जाना है, और वहाँ पर दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट 365 दिन में आपके कितने वॉच टाइम हुआ है, ठीक है, कितने घंटे लोगों ने वीडियो देखा है, और कितने सब्सक्राइबर हुए, सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर कट दिखाता है, ठीक है। तो वाइट यूट्यूब स्टूडियो नाम की एक एप्लीकेशन है, उसमें ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो अब दोस्तों मान लेते हैं कि हमने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम लास्ट 365 दिन या फिर एक महीने, दो महीने में या दो दिन में भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया ये क्राइटेरिया, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो एक साल के अंदर ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कम टाइम कर रहे हो तो ये क्राइटेरिया आपका एक दो दिन में भी पूरा आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपका चैनल आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी कि Google AdSense के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये इसके ऊपर ऑलरेडी YouTube पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, तो आप कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं कि कैसे अपने YouTube चैनल को Google AdSense के साथ कनेक्ट करके YouTube टीम को, ठीक है, रिव्यू के लिए भेजा जाता है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब टीम आपके चैनल को चेक करती है कि आपने कहीं यूट्यूब की जो पॉलिसी है उनको वायलेट तो नहीं किया। तो उसके बाद जब आप यूट्यूब को लगता है कि आपका चैनल चाहिए अच्छा है, और वैसे अच्छा ही होता है, ठीक है, किसी का चैनल ऐसा नहीं है कि कोई, ठीक है, कोई ख़राब चीज़ डाल दे यूट्यूब के खिलाफ, कुछ चीज़ें जैसे डाउनलोड करने के प्रोसेस बताते हो, ठीक है, जो एप्लीकेशन गूगल बैन कर चुका है उनको अगर डाउनलोड करने का तरीके वगैरह बताए तो वो चीज़ें ख़राब है यूट्यूब पे, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें डालनी नहीं चाहिए, यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसको हमें ध्यान में रख के ही वीडियो बनाना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों यूट्यूब चैनल चेक करने के बाद आपके चैनल को एक्सेप्ट कर लेता है पार्टनर प्रोग्राम के लिए, ठीक है, पार्टनर प्रोग्राम के लिए। तो उसके बाद दोस्तों आपके चैनल पे वीडियो पे आना शुरू हो जाती है एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट आती है तो आपको दोस्तों आपके गूगल एडसेंस में आपके, ठीक है, डॉलर जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही $10 जुड़ते हैं तो YouTube आपको एक, ठीक है, पिन भेजता है आपके घर पे, वेरिफिकेशन पिन, और वो पिन 6 अंकों का होता है, वो आपको Google AdSense में जाके वहाँ पे डालना पड़ता है। तब दोस्तों YouTube, ठीक है, AdSense जो टीम होती है Google की, उसको पता चल जाता है कि हाँ आप एक सही पर्सन है। उसके बाद दोस्तों आपके चैनल पे वीडियो आप लगातार डाल रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आपके चैनल पे लगातार ऐड आ रही है, तो इससे दोस्तों आपके चैनल पे $100 दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे। तो YouTube आपकी पेमेंट को हर 21 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में भेज देता है, और ये 26 तारीख होते होते आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो ये दोस्तों तरीका होता है YouTube से पैसे कमाने का, एक चैनल बना के सही कैटेगरी फेस, ठीक है, आपको कैमरा फेस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर आप करते हैं तो दोस्तों आप आराम से YouTube से पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी इनकम करते हैं, तो वो दोस्तों इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज आते हैं और काफ़ी अच्छे से वो ग्रो करते हैं। तो अगर आपके अंदर भी कोई भी टैलेंट है तो ज़रूर YouTube पर आइए, उस टैलेंट को बताइए, ठीक है, जो भी आपके पास नॉलेज है उसको YouTube पर वीडियो के फॉर्मेट में बताइए, लोग देखते हैं और उनसे आपको दोस्तों पैसा मिलता है।
अब दोस्तों ये कोई खास पॉइंट तो नहीं है लास्ट वाला, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे यूट्यूबर फेल क्यों होते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आपको थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों या तो उनको बोलना नहीं आता है सही से, ठीक है, वो कैमरे को सही से फेस नहीं कर पाते, वो देखो ऐसे देखते हैं और बोलते कुछ है, या फिर किताब में देख के बोलते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे नए नए यूट्यूबर को देखा है जो लोग यूट्यूबर बनते हैं और उसके बाद दोस्तों वो थोड़े ही दिनों में फेल होकर चले जाते हैं। देखो या तो वो किताब से बोलते हैं या फिर वो क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं किधर ही और साइड में देख रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं दिख रहे। अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो कोई मेरी वीडियो नहीं देखेगा, लेकिन अगर मैं कैमरे से आई कॉन्टेक्ट करूंगा तो दोस्तों मेरी वीडियो लोग ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। तो ये तो एक ठीक है हो गया, तो इस वजह से दोस्तों लोग फेल भी होते हैं। दूसरा दोस्तों तरीका है, उनकी कोई कैटेगरी होती नहीं है, उनको लगता है कि मैं हर कैटेगरी में वीडियो अच्छे से बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आप किसी एक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा दोस्तों एक्सपर्ट होते हैं तो आप उसी कैटेगरी में वीडियो बनाइए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तीसरा, लोग दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे जो टाइम तो ठीक है थोड़ा बहुत दे देते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों उनको रिजल्ट भी तुरंत चाहिए कि मैं यार वीडियो डाल रहा हूँ 1 महीने से, मेरे चैनल पे कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा है, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, इस तरीके के बहाने बना के उस चैनल को छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, चैनल छोड़ना नहीं है, उस चैनल पे काम करना है, कहाँ गलती रह रही है उस चीज़ को आप पकड़ो और उसके बाद काम करो और लगातार दोस्तों कंटिन्यू काम करो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने कहाँ यार इतना, ठीक है टाइम दो। मैंने जो ये मेरा चैनल है इस पर 7-8 महीने का मैंने दोस्तों टाइम दिया था, तब जाके ये मेरा यूट्यूब ठीक है पार्टनर प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट हुआ था और उसके बाद मेरी मुझे पैसा आना शुरू हुआ था। तो दोस्तों 7-8 महीने मैंने काम किया था बिना पैसे के, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद तो पैसा आया ही है, लेकिन मैं जिस कैटेगरी में था ठीक है उस कैटेगरी में अच्छा था, तो वीडियो बना रहा था, लोग देख भी रहे थे, तो इस वजह से दोस्तों इस चैनल भी अच्छा चला, ठीक है। तो आप भी अपनी कैटेगरी अच्छे से चूज कर लीजिए और लगातार कंटिन्यू काम करते रहिए। ये मत सोचिए कि मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे, हाँ सोचिए ज़रूर कि मेरे चैनल पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, उसकी गलती निकाल के उसको सुधारने का प्रयास करें, उसके बाद दोस्तों आप यूट्यूब से लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी स्टेप बाय स्टेप। आप अगर अपना चैनल बना रहे हैं तो किस तरीके से पूरा सेटअप करना है, इसका वीडियो ऊपर आई बटन में है, ठीक है, आप जाकर उसको देख लेना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, कोई भी अगर आपका सवाल जवाब है तो कमेंट कर लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे।